करण कुंद्रा ने मांग ली है प्रतीक सहजपाल से माफी। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल से माफी मांग ली है करण कुंद्रा ने। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पिछले वीक इन दोनों के बीच में एक बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके चलते सलमान खान ने भी करण को फटकार लगाई थी और कहीं ना कहीं करण जो है वो काफी ज्यादा फिजिकल हो गए थे। प्रतीक ने कहा था कि करण ने उन पर जो है हाथ उठाया है, जिसके चलते जो है करण को काफी ज्यादा फटकार लगी। वेल, मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल करण कुंद्रा जो है वो प्रतीक सहजपाल से माफी मांगते हुए नजर आए हैं और करण ने कहा प्रतीक को कि इस वीक में कोई लोचा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पिछला वीक जो गया है वो काफी ज्यादा कि अच्छा नहीं गया है और उसमें बहुत सारे कांड हुए हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अब मैं कोई गिले शिकवे नहीं रखू, इसीलिए क्या मतलब अब हमारी अच्छे से फिर से दोस्ती हो सकती है। तो वहीं करण ने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो प्रतीक सहजपाल ने भी उनकी दोस्ती फिर से एक्सेप्ट की और कहा कि मैं भी नहीं चाहता आपको मतलब आपसे झगड़ना लड़ना, कि मैं नहीं चाहता ये सारी चीजें और मैं चाहता हूं कि हम दोनों अच्छे से बैठकर बातें करें, क्योंकि जो चीज मैंने गुस्से में कही थी मेरा मतलब ये नहीं था। उस समय मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और मैं आज भी आपकी काफी ज्यादा इज्जत करता हूं। तो वेल, ये जो गुरु शिष्य की जोड़ी है ये हाल फिलहाल फिर से देखने को मिल रही है, जहां पर करण ने भी प्रतीक को माफ कर दिया है तो वहीं प्रतीक ने भी करण को माफ कर दिया है और दोनों ने एक दूसरे के साथ में ये दोस्ती का हाथ जो है वो बढ़ा लिया है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके इन दोनों की दोस्ती कैसी रहती है, क्या ये गुरु शिष्य की जोड़ी जो है वो नजर आती है या फिर इन दोनों में फिर से झगड़ा देखने को मिलता है। आपके क्या रिएक्शन रहे इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।